हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपको लेकर चलूँगी शॉपिंग पर। तो ये एमजी रोड पर जो स्ट्रीट शॉपिंग है बहुत ही अच्छी होती है पुणे में। अगर जो लोग पुणे में रहते हैं या पुणे में शॉपिंग किए उनको पता होगा, बहुत ही अच्छा मार्केट बताते हैं। तो आज मैं वहीं जा रही हूँ, तो आपके लिए वही ब्लॉग लेकर मैं आती हूँ। तो वहीं मिलते हैं आपको एक शॉपिंग के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर। तो ये एमजी रोड आ गया है और ये यहाँ पर एसएसजी मॉल है, उसके पास में ही ये एमजी रोड पड़ता है। तो मैं आप वहाँ पर पहुँच चुकी और यहाँ पर देखिए पहले से ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं मिली थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर मार्केट जब आते हैं तो पार्किंग की होती है, क्योंकि मैंने जो तुलसी मार्केट का भी जो वीडियो डाला था आपने देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम हुआ था और यहाँ पर भी यही सेम प्रॉब्लम है। तो जब भी आप आएँ, टू व्हीलर से आएँ, फोर व्हीलर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर आप ऑटो लेकर आएँ। तो हम लोग टू व्हीलर से आए थे, तो ये यहाँ पर हम लोगों ने किसी तरीके से अपनी गाड़ी को देखी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश होता है और ये इवनिंग का टाइम है, जब 4 बज रहे थे तब हम लोग आए थे। और क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो लेट खुलता है और लेट तक ही मतलब ओपन रहता है। तो सबसे पहले मेरा जो नज़र पड़ी फुटवेयर पर, ये देखिए कितना सुंदर फुटवेयर है। और मैं यहाँ पर कुछ कुछ प्राइस भी लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर फुटवेयर यहाँ पर लगे मैं, तो मैं आपको यहाँ पर जितना हो सकता है सारा कुछ दिखाऊँगी कि अभी नया क्या क्या आया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत फुटवेयर थे, मैंने एक दो फुटवेयर लिए। और ये देखिए पूरे उसमें आप, ये बाहर भी मार्केट लगता है और आप अगर आप बाहर से नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही ब्रांडेड जो है वो शॉप भी हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरीके का पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये फिर हम लोगों को कुछ टी शर्ट वगैरह भी लेनी थी, तो हम लोग ये देख सकते हैं आपको, ये टी शर्ट वगैरह भी हमने बहुत सारी देखी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप पहले इनको देखिए कि मैंने क्या क्या देखा। तो यहाँ पर डेनिम की जो जैकेट वगैरह होती है, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने लग गई, मतलब हल्का हल्का ठंड जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो ये पूरा मार्केट जो है अभी इसी तरीके से पूरा भरा हुआ है, स्ट्रग है। और इस तरीके से मैं रेट भी आपको स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा मार्केट जो है ना इसी टाइप से भरा हुआ है। अभी ये सारा जो आइटम है वो नया आया हुआ है। तो आप अगर अभी जाने की सोच रहे हैं कि एमजी रोड पर जाएं, तो आपको मैं ये ब्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इससे पहले मैंने तुलसी मार्केट का भी पूरा ब्लॉग अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लोअर है, ये लेडीज़ आइटम, जेंट्स सारा कुछ वहाँ पर मिलता है। तो मैं आपको सारा दिखा रही हूँ इसको, और ये टी शर्ट्स वगैरह, लॉन्ग शॉर्ट्स वगैरह, सारी तरह की टी शर्ट वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीज़नेबल रेट है, जो आप स्ट्रीट मार्केट जो रहता है वहाँ से ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से लोग, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है वहाँ से मिल जाता है। और ये यहाँ पर इस तरीके से देखिए शर्ट, ये 150 से लेकर स्टार्ट होती हैं, 200, 250, 300 इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा। और उसके बाद हम लोग आगे चलते गए, क्योंकि लग रहा था कि बस ये भी ले लें वो भी, क्योंकि इतना सारा इतना अच्छा था। तो मैंने यहाँ पर कुछ कुछ टी शर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट और इस तरीके का आइटम देखा, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ कुछ आइटम लिया भी। और ये मतलब काफ़ी कुछ अच्छा जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो आप अगर डेली वेयर में जैसे वर्किंग वूमेन है या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा आइटम मिल रहा है। तो आप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मतलब कुछ कम रेट में मिले, तो आप यहाँ जा सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ मैंने कुर्तीज़ देखी, क्योंकि अभी चिकनकारी कुर्ती का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन था और ये बहुत ही अच्छा, इनका रेट भी बहुत ज़्यादा, ये 500-400 से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप जितना ज़्यादा चाहें वो, क्योंकि इनका देखिए आप वर्क भी बहुत अच्छा है और जो मटेरियल है कपड़े का वो भी बहुत ही अच्छा था, तो आप यहाँ से ये सब भी ले सकते हैं। 500 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आगे 800-700 सब में आपको मिल जाता है। इसी तरीके से ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं, 100 रुपीज से स्टार्ट है, उसके बाद आप जितना चाहें, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। ये देखिए बहुत सारा कलेक्शन इसमें आपको नया मिल जाएगा, अभी लेटेस्ट बहुत सारा, क्योंकि अभी नवरात्रे थे तो उनका भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। एक बार मैं बीच में गई थी तो वो भी बहुत सुंदर था, मैं लेकिन उस समय सूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे पर्स और बैग्स वगैरह सारा कुछ आपको ये देख सकते हैं आप, मिल जाएगा आपको, ये ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको दिख रहा होगा कि कौन सी शॉप के साथ में ये सारा कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर क्या है, 100 रुपीज़ में 4 पीस 5 पीस इस तरीके से मिल जाते हैं, ये पूरे ठेले जो लगे हुए हैं इनमें इसी तरीके से मिलता है। तो ये आपको 20 रुपीज़ का या 25 रुपीज़ का एक पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा है, और आप घर में पहनने के लिए या फिर एक दो बार पहनेंगे तो भी 20 रुपीज़ में क्या मिलता है आजकल, तो देखिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा मार्केट मैं बता रही हूँ, तो आपको अगर हेल्प हो तो प्लीज़ अब इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में। देखिए यहाँ पर जो है विंटर का अभी कलेक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को, हम इवनिंग में आते तो हम लोग ऐसे घूमते घूमते नाइट हो गई थी, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं सारा आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से बैग्स भी बहुत ही अच्छे थे, आप कितने भी मैं ले सकते हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन थे। तो ये मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलेगा। और ये नाइट में देखिए, ये पूरा खाने पीने का भी यहाँ पर सारा कुछ है, क्योंकि ये लेट नाइट तक खुलता है मार्केट, तो आप यहाँ पर मॉर्निंग में ये 12 बजे के बाद ही खुलता है, तो आप अच्छे से जो खुलेगा वो 12 बजे के बाद ही आइए तो अच्छा है, और इवनिंग में आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। हैं ना वो यहाँ पे मिलते हैं, यस स्टोर के सामने से आपको यहाँ पे मेन जो मार्केट स्टार्ट। यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी थी और उसके बाद हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोग फिर खाने के लिए, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी पूरे मार्केट में खाने पीने का सामान मिलेगा। और उसके बाद आप बगल में ही जो है SSG मॉल है, और उसके बगल में ही काफ़ी अच्छा खाने पीने का मतलब एक बना हुआ है, तो हम लोग खाने के बाद फिर SSG मॉल जो है वहाँ पर चले गए थे, तो वहाँ से भी हम लोगों ने कुछ कुछ आइटम जैसे अपने हस्बैंड के लिए मैंने लिया। तो फिर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा मॉल ये है, और खाने पीने के बाद अब हम लोग थक चुके थे, खाना पीना भी हो गया, तो हम लोग वापस आ गए। अगर आपको ये ब्लॉग बहुत हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन पुणे से है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।